केंद्रीय कैबिनेट ने कई बड़े फैसले पर मुहर लगाई है। इसमें बिहार और आंध्र प्रदेश को बड़ा तोहफा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें बिहार और आंध्र प्रदेश को सरकार ने फिर तोहफा दिया है और हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट पर मुहर लगाई है। यूपी के अयोध्या से सीतामढ़ी तक रेलवे लाइन बिछाने को भी मंजूरी दे दी गई है। केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले को बड़ा तोहफा दिया है। एक और परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी देते हुए अयोध्या से मां सीता के जन्मस्थान सीतामढ़ी तक करीब 257 किलोमीटर की रेल लाइन बिछाने का फैसला किया है। यह रेल लाइन नेपाल सीमा के आसपास होगी। इससे उत्तर बिहार, मिथिलांचल, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर जैसे शहर जुड़ेंगे। बुद्ध सर्किट पूरा होगा। इसके अलावा ऐतिहासिक टूरिस्ट को फायदा होगा। 4,553 करोड़ रुपए से यह प्रोजेक्ट पूरा होगा। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के अमरावती को भी बड़ा तोहफा दिया है। अमरावती से 57 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, जो 5 बड़े शहरों से उसे जोड़ेगी। इनमें विजयवाड़ा, चेन्नई, हैदराबाद शामिल है। आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी पर 3 किलोमीटर लंबा पुल बनेगा। इस योजना के तहत बहुत बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब इस लाइन पर बनेगा। आंध्र प्रदेश के लिए यह बहुत बड़ी सौगात है। इसी कड़ी में आज दो बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं। पहला लिया गया है अमरावती रेलवे लाइन। आप सब जानते हैं अमरावती आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल सिटी है, और ये कैपिटल सिटी बहुत ही एक नए तरीके से, साइंटिफिक तरीके से इसको डेवलप किया गया है, जिसमें अर्बन किया जा रहा है, जिसमें कि अर्बन प्लानिंग के सारे पॉइंट्स को इसमें फोकस किया गया है। तो अमरावती के लिए रेलवे कनेक्टिविटी करने के लिए एक नई लाइन 57 किलोमीटर की 2,245 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से बनेगी। कृष्णा रिवर पे एक नया ब्रिज बनेगा। देयर विल बी अ न्यू ब्रिज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर कृष्णा। दैट विल बी अ ब्रिज, इट्स अ लॉन्ग ब्रिज, इट विल बी 3.2 किलोमीटर लेंथ एंड इट विल बी वन ऑफ द मेजर ब्रिजेस ऑफ इंडियन रेलवेज़।